फर्नीचर वर्क इज ऑलमोस्ट डन, थोड़ा बहुत रह गया, वो पापा कभी और करेंगे क्योंकि बहुत कम है। पापा ने इंच के ना हिसाब से नापी थी, हाँ 26 इंच नापी थी पापा ने। और मेरे उस बेड था ना भाई, बहुत बड़ा था, उसे पहले पापा ने काटा फिर यहाँ से चढ़ाया, मतलब चार लोगों ने मिलकर चढ़वाया था। जल्दी जल्दी चलते हैं घर में, खाली कर दे बोतल को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है तुम्हारे सीनू भाई घर से। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर पे कुछ दिनों से फर्नीचर का काम चल रहा था। फर्नीचर वर्क इज ऑलमोस्ट डन, थोड़ा बहुत रह गया, वो पापा कभी और करेंगे क्योंकि जॉब वॉब भी जाना होता है। और तुम्हें तो मैंने बताया था कि मेरे पापा पेशे से क्या है, कारपेंटर। तो मेरे घर का जितना भी फर्नीचर वर्क होता है पापा ही करते हैं, हमें किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे घर में जितना भी फर्नीचर वर्क हुआ है ना भाई, आज तक छोटे से बड़े तक, वो सब पापा ने ही किया है। तो इस बात से मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पापा ही मेरे घर का काम कर रहे हैं। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। अभी तो मैंने घर की नॉर्मल साफ़ सफाई करी है, मैंने मेरी बहनों ने मिलके। तो अभी फ़िलहाल मैं मारते जल्दी जल्दी पोछा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके भाइयों, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या वर्क हुआ है हमारे घर में फर्नीचर का। तो भाई मैंने सोचा कि मम्मी का क्या ही ज़्यादा काम करवाना, तो काम वाम तो हो गया था सारा फर्नीचर का, जो भी फिलहाल में हम लगाने जा रहे हैं क्या पोछा। थोड़ी हेल्प करवा दिया, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि लकड़ी का काम वाम चला है। तो लकड़ी के काम में आपको पता ही है कितना क्या होता है, बहुत ज़्यादा आग हो जाता है ना, लकड़ी वकड़ी उड़ती है, बुरादा वगैरह जो उसका कटता है वो सब उड़ता है। तो इस चक्कर में भी साफ़ सफाई चली रही है। तो अभी पहले पोछा वोछा लगा लेते हैं, फिर आपको पूरे घर का दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है। ओके गाइस, हाँ तो बनाते रहिए भैया। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. भाइयों फाइनली पोछा वगैरह लगाने के बाद तुम्हारे सीनू भाई आ चुके हैं तुम्हारे पास वापस। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे घर में क्या क्या फर्नीचर वर्क हुआ है। तो स्टार्ट करें फिर, तो चलो फिर। तो ये देखो भाइयों, सबसे पहले पापा ने ना किचन का ये बनाया है रैक, देख रहे हो अंदर तक सामान भी रख दिया है। अब इसमें ना एक सेल्फ डलेगी, वो पापा कुछ दिनों में डालेंगे ऐसे ऐसे करके, जो ये ऊपर का स्पेस बचा ना इसमें मसाले वगैरह के डब्बे आ जाएंगे। तो अभी तो कर देते हैं इसे पैक। देख रहे हो भाई क्या लगाया है, ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी है मुझे मेरे इसकी। तो ऐसे ही इधर भी किया है, इसमें भी सेल्फ डलेगी, बस थोड़ा सामान वगैरह रख दिया। और देखो मैग्नेट भी लगाई है पापा ने ताकि डोर क्लोज़ हो जाए आसानी से, जल्दी से खुले भी ना। और इसी के साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने अंदर का कमरा। तो मेरे घर में पहले था सिंगल बेड, जो कि हमने अब चढ़ा दिया है ऊपर छत पर। छत पर बेड नहीं था ना, क्योंकि जब पापा ने डबल बेड बनाया तो सोचा कि सिंगल बेड को क्या ही तोड़ के फेंकना, इसे ऊपर ही चढ़ा देते। ऊपर चढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि हमारे घर में इतनी स्पेस तो है नहीं, छोटा घर है। तो इसी के साथ देखो भाई, ये रहा हमारा डबल बेड। अभी इसमें ना थोड़ा पेंट करना बाकी रह गया क्योंकि पुरानी लकड़ी से बना है। सिराना देख रहे हो भाई, क्या प्यारा बनाया पापा ने। और एक ये टेबल बनाई है पापा ने, इसमें सलमाई का लगाया है। और एक ये ड्रेसिंग टेबल बनाई थी, देखो लग रही है ना प्यारी भाई। तो कमेंट में बता देना जल्दी जल्दी कि सामान अच्छा लगा हो तो, क्योंकि मेरे पापा ने बनाया है। पापा के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है भाई। हो इसी के साथ कर देना सब्सक्राइब। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि क्या क्या वर्क हुआ है। पापा ने थोड़ा जुगाड़ बिठाया बहुत बढ़िया करके, तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा जुगाड़ खाली मेरे पापा ही बिठा सकते हैं बस, जो कि मेरे पापा ने ही बिठाया। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर का। अभी ये वाला गेट भी चेंज होगा क्योंकि ये टूट गया नीचे से, देखो। हाँ तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें ऊपर का कमरा अपना। हाँ देखो भाई, जो नीचे सिंगल बेड पड़ा था वो ये रहा, और ये अलमारी तो पुरानी है, वो जूते का रह गया। और देखो भाई मेरे पापा ने कैसे जुगाड़ बनाया है, ये कबाड़ा सारा आज बेचना है क्योंकि सफाई हुई है ना, तो इस चक्कर में बहुत गंद निकला है घर में, तो ये सब बेचना है। देखो एक गेट ऐसे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक गेट डाल दिया ऐसे पाइप से, और ये बना दिया पापा ने ताड़, जिसके ऊपर सारा सामान हमने पैक कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और दो गेट इधर खड़े दिए सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमने ये बगल वाली दीवार है ना, ये आंसू भाई की है। तो आंसू भाई की दीवार पर हमने ज़्यादा लोड नहीं डाला क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे घर हैं, हमारा किसी का नुकसान हो जाए, इसलिए जो कुछ लोड लिया है वो हमने अपने ही घर में अपने ही
हैंडमेड दीवार बनाई है गेट की, तुमने तो देखी थी। तो इसी के साथ भाइयों अब तुम्हें बताता हूँ कि और क्या क्या काम रह गया। ये गेट तो पापा ने पिछली बार नया ही बनाया था, अपना घर के दो गेट चेंज हुएंगे। तुम्हें बता ही दिया एक मैंने जीने का, क्योंकि ये देखो ये रहा जीने का पूरा टूट रखा है भाई नीचे से ऊपर तक, है ना। तो ये वाला भी चेंज होगा जल्दी जल्दी। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि गेट कौन से हैं जो बचे। और ये मेन गेट भी चेंज होगा, ये भी लकड़ी का लगेगा क्योंकि ये भी नीचे से ना जंग खा गया बारिश वगैरह के पानी से। देखो ये भी उखड़ने लग गया और चौखट से भी ढीली हो गया। तो भाइयों देखो ये बस तीन दरवाजे बचे, अब इन तीन दरवाजों को और फिक्स करना है। वो तो सब पापा सलमाई का लगा के एकदम बढ़िया करके बना देंगे। तो अब देखते हैं भाइयों कबाड़ा वाला बेच रहे हैं, वो तो शायद ढूंढूंगा मैं कबाड़ी को तभी बेच पाऊँगा। तो अभी चलते हैं जल्दी कबाड़ी भाई को ढूंढते हैं, जो कबाड़ा ले जाएंगे। प्लास्टिक वगैरह है बहुत सारे, लोहे भी हैं, देखते हैं बेचते हैं। अगर नहीं मिलते वो तो अगली बार बेचेंगे, क्योंकि अभी उन्हें कहाँ ढूँढेंगे, गली में तो आते नहीं जल्दी से, और कबाड़ी की दुकान बहुत दूर दूर है हमारे यहाँ। तो इसी के साथ अभी मिलते हैं, पानी भी लेके आना, सारी बोतलें भी खाली पड़ी हैं तो पानी भरना है। गर्मी में पता बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है, तुम सबको तो पता ही है। वो भी जल्दी से चलते हैं पानी लेके आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। जाना भाई पानी की दुकान पर, तो भाई चल रहा है पानी लेने, बोतल तो वहीं मिल जाती है इसलिए अपनी बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है। चल रहा है सीधा, 10 रुपये की पानी की बोतल पड़ती है, सबको तो पता ही होगा। चल रहे जल्दी पानी लेके आते हैं दुकान पर, चलते हैं भाई। आ गया मैं पानी की दुकान पे, ये रही हमारी पानी की दुकान जहाँ से पानी मिलता है। ये रही टंकी, और ये रहा पानी का कनेक्शन, और ये जा रही बोतल में। जल्दी जल्दी बोतल भरवाते हैं फिर चलते हैं घर। तो भाई आ गया मैं पानी की बोतल लेके, देख रहे हो ऐसे लानी पड़ती है कंधे पे रख के हमें। पीछे से लाइट पड़ रही है थोड़ी सी बट कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे करके कंधे में रख के लाया हूँ बोतल, अब जल्दी जल्दी चलते हैं घर में खाली करते हैं बोतल को। पानी लेके आ चुका था घर पे, अब देखो ऐसे करके मैं बोतल बोले तुम्हें एक ट्रिक दिखाऊंगा पानी भरने की, ठीक है, जिससे ना बबल नहीं उठते, ठीक है। देखो भाई ऐसे करके बोतल हमने यूं पलटी, थोड़ी सी खाली होने देंगे, उसके बाद अब देखो तेज तेज ना बोतल हिलाऊंगा मैं ऐसे ऐसे धोल धोल। अब देखो ये पानी ना राउंड में निकल रहा है, देखो ये देखो भाई ये पानी ना राउंड में निकल रहा है, बिल्कुल भी बाल्टी में बबल नहीं उठ रहे। ऐसा ना स्कूल में 2 लीटर की बोतल से ना हम करते थे जब बवंडर बनाते थे, स्कूल के दिन याद आ जाते हैं ऐसे करते। देखो कितनी जल्दी खाली हो गई बोतल, वरना टाइम लगता है बहुत बोतल खाली होने में। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है भाई, इंजीनियर बोलते छोटे मोटे सस्ते इंजीनियर। तो अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं भाइयों, बोतल हो गई हमारी खाली, अब पैसे भी ले लिए थे घर से। अब जल्दी से दूध की थैली भी लानी है और दुकान से सामान भी लाना है, अब सब्जी बनाने के लिए सोयाबीन लानी है। तो चल रहे हैं जल्दी जल्दी, बोतल तो हो गई खाली, निकलते हैं बोतल देते हैं पैसे देते हैं तो चलते हैं दूध थैली लाते हैं। और देखो कौन आया गली में, आहा तो भाई वो बोतल तो दे दी हमने दुकान पे वापस, और अब चल रहे हैं दूध की थाली लेते हैं। आंटी को मैंने पैसे वैसे कटाई दिए, जल्दी जल्दी दूध की थाली ले लेते हैं। कहाँ आंटी दूध की थाली, हाँ पैसे देने तो क्या था बस बोतल के। भाइयों ये रही हमने पैसे और ये रही हमारी दूध की थैली, चल रहे फिर जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं घर पे चल के, ठीक है भाइयों। तो भाई दुकान से दूध की थैली लाने के बाद चाय बनने के लिए रख दी थी, और देखो इसमें इलायची वगैरह फुल डालिए, मस्त चाय बनाइए, फुल पीएंगे, टेस्ट बड़ा कह रहा था भाई। मेरी मम्मी जब बनाती है ना बड़ा मज़ा आता है चाय पीने में। और ये देखो भाई मेरी मम्मी क्या कर रही है, सब्जी बनाने की तैयारी, आलू। मम्मी कौन सी सब्जी बना रहे हो आज, मिथोरी आलू हैं, वो कैसे बनाते हैं हैं, फ्राई करके बनाते हैं भाई मिथोरी आलू, मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो जल्दी जल्दी देखो भाई मम्मी तो तैयारी कर रही है सब्जी बनाने की, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई मेरा बेड कहाँ से चढ़ाया था। तो भाई दिखाता हूँ मैं तुम्हें मेरा बेड, भाई देखो यहाँ से चढ़ाया था, ये जो तुम्हें केले का पेड़ दिख रहा है ना मेरे घर का, जगह देखो कितनी है, सिर्फ इसकी जगह है ये बहुत कम है। पापा ने इंचेस के हिसाब से नापी थी, हाँ 26 इंच नापी थी पापा ने, और मेरा जो बेड था ना भाई वो बहुत बड़ा था, उसे पहले पापा ने काटा फिर यहाँ से चढ़ाया, मतलब 4 लोगों ने मिलकर चढ़वाया था। मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऊपर जाके कितनी सी जगह है, 26 इंच बताइए मैंने, तो देखो इतनी सी जगह है, इतनी जगह में मेरा ये सिंगल वाला बेड चढ़ा था, जो कि ये रहा दिखाऊं तुम्हें भाइयों, देखो ये रहा मेरा सिंगल वाला बेड, और इसका ना चौड़ाई देखो भाई कितनी है, इसे हमने ना टेढ़ा करके ऐसे करके चढ़ाया था, बहुत मेहनत से चढ़ाया था भाई, मानोगे नहीं मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो भाइयों
जल्दी जल्दी करते हैं काम मम्मी के साथ। बेड मैंने तुझे दिखाई दे कैसे चढ़ाया था उतनी सी जगह में, मैं पता बेड के नीचे दब गया था, फिर पापा ने आए जल्दी जल्दी, पापा ने उठाया बेड, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से चढ़ाया, बहुत भारी बेड था और ये ना बेड खुलने वाला नहीं था, पापा ने स्टार्टिंग में बनाया था तो ये ऐसे ही बना दिया था पेच वेच से कस के, जैसे ये वाला बनाया, खुलने वाला नहीं बनाया था, खुलने वाला होता तो दिक्कत नहीं होती, एक एक करके चढ़ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, सारे काम हो ही गए थे। तो अब करते हैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी जरूर कर देना ताकि और लोगों तक पहुँचे मेरी वीडियो, लंबी चले। तो मिलते हैं भाइयों अगले ब्लॉग में नए मस्ती नए फन के साथ, टाटा बाय बाय।